Hello, good morning, India. मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर काफी सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल है जो कि हम कवर करते हैं। और सुबह बच्चों के हमेशा की तरह 5, और उम्मीद करता हूँ कि आप जाग चुके होंगे, अपनी पढ़ाई के अंदर लग चुके होंगे, क्योंकि आने वाले 6 महीने आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 6 महीने के अंदर आपके रेलवे के 2 एग्जाम NTPC ग्रुप डी होने वाला है, साथ में आपके SSC CGL एग्जाम जो है वो भी होने वाला है, और आपके स्टेट के भी कई सारे एग्जाम होंगे। तो रेगुलर लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और बहुत कुछ है जो कि आपको आने वाले दिनों के अंदर सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज के कई सारे महत्वपूर्ण सवाल है वो डिस्कस कर लेते हैं। और सुबह 8 बजे वाली क्लास में भी आना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा की तरह दोस्तों, हाफ एन आवर अपने लाइफ को दो, हाफ एन आवर के अंदर आपको बहुत नॉलेज है जो कि आपको लाइफ के बारे में सीखने को मिलेगा, और आपको काफी सारे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अनअकैडमी के ऊपर अभी क्या चल रहा है, को क्या करना है अगर आपको कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन है जो कि लेना है। तो गाइस देखो, अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है किसी भी एग्जाम का, तो आप BHUNESH भुवनेश 10 यूज कर सकते हैं। आपको सभी क्लासेस सारे सब्जेक्ट के साथ में जो है वो मिल जाएगी, प्लस आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। रेलवे में अभी मेरा क्या चल रहा है, 40 स्टैटिक जीके के टॉपिक और 111 टेस्ट NTPC के लिए जो कि आपको मिल रहे हैं, जिसमें से 30 टेस्ट के तो आपको वीडियो सोल्यूशन भी, फुल वीडियो सोल्यूशन है जो कि मिल रहे हैं। IBPS PO मेंस की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, 30 नवंबर को पेपर है, और इस बार बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं, और नियर बाय 70-80% क्वेश्चन होंगे जो कि आपके IBPS PO मेंस में सही होंगे। SSC CGL की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने कभी मेरे से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको ये सब नहीं पढ़ी है, तो एक बार दोस्तों पढ़ के देखो। लाइफ में कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए आपको कभी भी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मात्र 2 क्लासेस हुई है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। रेफरल कोड आप भुवनेश 10 यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं CGL की, और आपको CGL की मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए, जब हम बात करते हैं प्रेस डे, तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है, पहली बात है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मीडिया को देखती है। 1966 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था। ओके, क्वालिटी रिपोर्टिंग हुआ, उस सबको जो है ये चेक रखती है। हालांकि आपको मालूम है आज के टाइम पे हालत बड़े खराब है। प्रेस, अगर फ्रीडम इंडेक्स की बात करूं मैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करूं, तो भारत की रैंक आप सभी को मालूम है, दुनिया के 180 देशों में जो है 140वें नंबर के ऊपर है। तो बहुत ही ज़्यादा खराब रैंक है। नंबर 1 पे दुनिया में कौन सा है? नॉर्वे है दुनिया में नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, साथ में डे भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं। 2019 में सड़क यातायात पीड़ितों को स्मरण करने के लिए विश्व दिवस डैश को मनाया गया, तो किस दिन दोस्तों विस्मरण दिवस बनाया गया ये आपको बताना है। देखो, रोड के ऊपर कई सारे लोगों का एक्सीडेंट होता है, और मैंने कल सुबह 8 बजे आपको बताया था कि हमारे देश में 62% पर डे है ना, रोड के ऊपर जो चलने वाले लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है। बहुत बड़ा नंबर है यार, ये बहुत बड़ा नंबर है, समझ रहे हो। 17 नवंबर को जो है ये दिवस मनाया जाता है, और आप देख सकते हो इस साल की थीम रखी गई है, लाइफ इज नॉट ए कार पार्ट, यानी कि कार का कोई पार्ट नहीं है कि भाई चले गया तो चले गया, ऐसा नहीं है। तो ये इसकी थीम रखी गई है, ठीक है, रोड ट्रैफिक विक्टिम्स को लेकर। तो मैंने आपको बताया बहुत बड़ा नंबर है, तो कभी भी कोशिश किया करो कि हमेशा जो है पेडेस्ट्रियन जो है यूज करने की कोशिश किया करो, है ना, भागने की कोशिश कभी मत किया करो रोड के ऊपर, काफी सारे एक्सीडेंट होते हैं। और नंबर 1 दिल्ली है दोस्तों, अगर मैं नंबर ऑफ डेथ की बात करूं, और दूसरा रीजन है कि लोग जो है वो भी मदद अवेलेबल नहीं करवाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। अगर टाइम के ऊपर मदद मिले, लोग हॉस्पिटल ले जाएं, तो काफी लोगों की जान बच सकती है। नवंबर 2019 में भारत सरकार ने डैश को वीजा ऑन अराइवल सुविधा प्रदान करने का फैसला किया है।
तो अभी रिसेंटली यूएई को दोस्तों एक्सटेंड कर दिया है वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी, समझ गए। भारत सरकार ने यूएई के नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया है। तो 6 बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वहां पे ये लोग आराम से आ सकते हैं। और भी दुनिया के जितने भी बड़े देश है, भारत के लिए सबके सभी के जो है ना के लिए भारत ने वीजा ऑन अराइवल सुविधा अवेलेबल करवा रखी है। आपको 2-3 दिन पहले भी अगर आप अप्लाई करोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, योगी आदित्यनाथ ने डैश जिले में उत्तर भारत की पहली चीनी मिल का उद्घाटन किया जो गन्ने से इथेनॉल का प्रत्यक्ष उत्पादन करेगी। तो भाई गन्ने से जो है वो इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा रहा है और ये जो लगाया गया है ये कहाँ पे, गोरखपुर के अंदर है जो कि लगाया गया है, समझ गए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोरखपुर के अंदर इसको सेटअप है जो कि किया गया है, ओके। उत्तर प्रदेश की बात करें, आनंदीबेन पटेल, जैसा कि आप सभी को मालूम है, गवर्नर है, लखनऊ है जो कि वहाँ पे राजधानी है, और योगी जी है जो कि वहाँ पे सीएम है। 20-21 करोड़ के आसपास आबादी है, ठीक है। यहाँ की विधानसभा और राज्यसभा की बात करें तो 403 सीटें यहाँ की विधानसभा के अंदर है और 100 सीटें विधान परिषद के अंदर है। लोकसभा की बात करें तो राज्यसभा के अंदर है यहाँ पे 31 और लोकसभा के अंदर है 80 सीटें, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये सब भी आपको ध्यान रखना है। और केशव प्रसाद और दिनेश शर्मा यहाँ पे डिप्टी सीएम है जो कि अभी बना रखे हैं, ओके, ठीक है। आगे बढ़े, स्टेट का स्पोर्ट है हॉकी, कथक डांस है, पलाश यहाँ का फ्लावर है, अशोक का ट्री है, सरस जो क्रेन है वो यहाँ का बर्ड है, डियर है, स्वयं डियर जो कि एनिमल है स्टेट का। नेक्स्ट है, नवंबर 2019 में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ ली है। तो हमने कल भी पढ़ा था कि गोतबाया राजपक्षे जो है, ओके, वो यहाँ पे क्या बन चुके हैं, प्रेसिडेंट है जो कि बन चुके हैं और उन्होंने शपथ ली है। 52% वोट है जो कि उन्होंने यहाँ पे लिए हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय को AIBA एथलीट कमीशन के सदस्य के रूप में चुना है। तो ऑल इंडिया बॉक्सिंग, ऑल इंटरनेशनल जो बॉक्सिंग फेडरेशन है, और उन्होंने किसको चुना है दोस्तों, सरिता देवी को जो है ना, सरिता देवी को दोस्तों 5 अपने एशिया का जो रीजन है ना उस कॉन्टिनेंट से इन्होंने जो है उनको चुना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के एथलीट कमीशन के अंदर इनको इंक्लूड है जो कि किया गया है, बड़े ही बात है और अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ से बन सकता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मणिपुर से बिलोंग करती है और 8 बार की एशियन चैंपियन रह चुकी है, साथ में वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है दोस्तों, और ये मणिपुर से बिलोंग करती है सरिता देवी, 37 साल की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने IEEF चैलेंज इंडोनेशिया ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब है जो कि जीता है। पुरुषों का खिताब आपको बताना है किसने यहाँ पे जीता है। आंसर की बात करें तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरमीत देसाई है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हो ये प्लेयर है हरमीत देसाई ने दोस्तों इंडोनेशियन ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में अमल राज को हराया है, ठीक है। और इससे पहले जो कटक में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप हुई थी ना कॉमनवेल्थ, वहां पे भी इन्होंने मेडल जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव 2019 के 4th संस्करण के लिए मेजबान था। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के बारे में बात कर आपको बतानी है, 4th एडिशन था दोस्तों, और ये कहाँ पे, इसको मेघालय के अंदर है जो कि किया गया था, कहाँ पे, मेघालय के अंदर इसको एड ऑन है जो कि किया गया था, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि मेघालय को लेकर यह है कि यहाँ के कैपिटल की बात करें तो आप सभी को मालूम है शिलोंग द रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया है, तथागत रॉय यहाँ पे गवर्नर है, कॉनरेड संगमा, कॉनरेड सीएम कौन है, कॉनरेड संगमा है जो कि यहाँ पे सीएम है प्रेजेंट के अंदर, ठीक है। 72 के अंदर ये स्टेट बना, 11 राज्य है यहाँ पे, शिलोंग सबसे बड़ी सिटी है। और ये भी पूछते हैं कॉनरेड संगमा कौन सी पार्टी से है, तो NPP करके पार्टी है, वहां से है। यहाँ की विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों 60 है, राज्यसभा की यहाँ पे मात्र 1 है, और लोकसभा की बात करें तो 2 सीटें यहाँ पर लोकसभा में है, ठीक है। और साउथ कोरिया दोस्तों इस साल का क्या था, पार्टनर कंट्री था फेस्टिवल का, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का शिलोंग में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नवंबर 2019 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस शहर के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए $300 मिलियन का मास्टर प्लान है जो कि प्रस्तुत किया है। वर्ल्ड बैंक ने सबमिट किया एक मास्टर प्लान $300 मिलियन को लेकर, ठीक है। तो ये कहां पे किया है ये आपको बताना है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, कोलकाता आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों मास्टर प्लान है $300 मिलियन का, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ध्यान रखिएगा। पहले भी आपको बता चुका हूँ वर्ल्ड बैंक के बारे में कि IBRD और IDA, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट,
इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों को मिलाकर जो है वो वर्ल्ड बैंक है जो कि बनता है। वर्ल्ड बैंक को एक बैंक नहीं है दोस्तों, दो बैंकों से मिला के बनता है। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, ठीक है, समझ गए। और इसके अलावा 189 कंट्रीज है जो कि मेंबर है, किसके, आईबीआरडी के, तो है 189। और आईडीए की अगर मैं बात करूं तो आईडीए के कितने है? 173 कंट्रीज हैं इसके मेंबर, समझ गए। डेविड मालपास जो कि प्रेसिडेंट बने हुए, एमडी और सीएफओ की बात करें तो अंशकुला कांत है जो कि अभी यहां पे एमडी और सीएफओ है। ओके, कोलकाता के अंदर जो है प्रपोज्ड मास्टर प्लान है जो कि बनाया गया है, इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड किया गया है। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर किया गया, लॉजिस्टिक मतलब जो अपने सामान को लेकर आने जाने को लेकर, ठीक है। नवंबर 2019 में दार्जिलिंग से निम्नलिखित में से किस उत्पादकों को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? ओके, जीआई टैग के बारे में आपको बताना है, कौन से वाले प्रोडक्ट को मिला है। अभी रिसेंटली दोस्तों जो हरी दार्जिलिंग टी है, सफेद दार्जिलिंग टी है, इन दोनों को भी मिला था, तो डी आपका यहाँ पे सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ओके, तो यहाँ के जो पहाड़ियों की हरी और सफेद चाय को भी देश में जीआई टैग जो है वो दर्जा दिया गया है। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप BHUNESH भुनेश 10 रेफरल कोड करके ले सकते हैं। सभी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगी, साथ में 10% ऑफ भी आपको मिल जाएगा। रेलवे में मेरी 40 स्टैटिक जीके की चल रही है क्लास और 111 टेस्ट 3 चल रही है, IBPS PO मेंस की चल रही है। और CGL की बात करें तो दोस्तों हिस्ट्री की मैंने स्टार्टिंग करी है, मात्र 2 क्लासेस हुई हैं अभी, आप डाउनलोड करके PDF आपको मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, मजा आ जाएगा। लेना कैसे है, अकेडमी लर्निंग ऐप है जो कि आपको डाउनलोड करनी है, उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करना है, जैसे कि रेलवे है, UPSC, बैंक, आपको कुछ भी अगर इसमें से लेना है तो आप कहीं पर भी भुनेश 10 यूज कर सकते हैं, आपको 10% ऑफ है जो कि मिल जाएगा और सारी क्लासेस मिल जाएगी। उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करने के बाद में प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए, फिर यहाँ पे 6 महीने या 12 महीने का ले सकते हैं, 12 महीने ले लीजिएगा ताकि NTPC 1, 2 और ग्रुप डी की तैयारी कर सके। और CGL में CGL की क्लासेस होगी मेरी, CHSL की होगी, MTS, GD सारी क्लासेस है जो कि मेरी यहाँ पे होगी। उसके बाद में आप यहाँ पे रेफरल कोड में BHUNESH भुनेश 10 है जो कि अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ने भारत के - मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये था आज इंपॉर्टेंट सेशन, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, वापस मिलेंगे सुबह 8 बजे वाली क्लास के अंदर, उसको अलार्म लगा के रख लीजिएगा, बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।